हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं आ चुका हूँ अपने गैरेज पे और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। तो अभी मैं जस्ट इस गाड़ी को लेके आया हूँ जिस पे मैं अभी बैठा हूँ। तो इस गाड़ी का नाम है रेनॉल्ट डस्टर। यहाँ पर इसका लोगो है, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका लोगो। तो इस गाड़ी को मैं जस्ट अभी लेके आया हूँ, तो आपको बताता हूँ कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। इसी गाड़ी को मैं अभी लेके आया हूँ, इसे आप देख सकते हैं। गाड़ी वाले जो भैया हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ी है इसके नीचे से मोबिल लीकेज कर रहा है स्टार्ट करने से। तो अभी जो है मैं टेस्टिंग करके देख रहा हूँ। अभी आप देख सकते, गाड़ी है वो स्टार्ट है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और आपको हल्का हल्का बैकग्राउंड सॉन्ग भी आ रहा होगा। तो अभी तो मैं देखता हूँ इसके कहाँ से लीकेज हो रहा है। ये 2 दिन पहले गाड़ी वाले भैया आए थे गाड़ी को ले करके, तो उसका जो ड्रेनट होता है उसका मैं उसी से लीकेज कर रहा था, तो उसको मैं चेंज कर दिया हूँ। और आज फिर से बोल रहे हैं कि ऑयल लीकेज कर रहा है बोल के, तो उसको चेक करते हैं। चेक करने से पता चलेगा कि कहाँ से लीकेज हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से लीकेज हो रहा है। इस गाड़ी को तो पूरी तरह से मैं चेक कर लिया हूँ, इसका कहीं से भी मोबिल लीकेज नहीं हो रहा है। आधे घंटे से मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करके रखा हुआ था और आधे घंटे तक भी एक भी मोबिल नहीं गिरा है नीचे में। तो नीचे से मैं पूरा देख लिया कि कहीं से भी मोबिल लीकेज नहीं हो रहा है। कल मैंने जो आपको स्विफ्ट गाड़ी दिखाई थी उसका इंजन जो है वो पूरी तरह से फिट हो चुका है। और कल तो हम लोग हाफ टाइम छुट्टी लेकर चले गए थे बिकॉज घर पर कुछ काम था, इसलिए आज जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे स्विफ्ट को। अभी देखते हैं उसको स्टार्ट करके, तो मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी को। अभी मैं इसका गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि ये स्टार्ट होता है या नहीं होता है। फाइनली स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको इंजन के पास ले जा के दिखाता हूँ। मैं अभी आया हूँ घर खाना खाने के लिए, और अभी दोपहर के 3:30 हो रहे हैं। और अभी जो है मैं अपने छत पर आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी जो खाना बनने में थोड़ा लेट लगेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या क्या बना है। तो मैं अभी खाना खा लिया हूँ और अब चलते हैं गैरेज। मैं अभी आ चुका हूँ गैरेज, और अभी मैं जिस गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ इस गाड़ी बनने को आया है। और ये गाड़ी है इनोवा, यहाँ पास आप देख सकते हैं टोयोटा का लोगो है। तो ये जो गाड़ी है इसका रेड वाटर प्रॉब्लम है, इसका रेड वाटर जो है वो कहीं से लीकेज कर रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो गाड़ी वाले भैया न्यू रेड वाटर लेने गए हैं बिकॉज ये जो रेड वाटर है ये तो पूरा ख़त्म है, यानी कि मेरा मतलब है कि ये तो पूरा ख़त्म है, पूरा ख़राब हो चुका है। इसलिए ये जो रेड वाटर है इसको रिपेयर भी कराएंगे फिर भी ठीक नहीं होगा, इसलिए जो है नया रेड वाटर लेने गए हैं। तो अभी तो गए हैं शोरूम से लेके आएंगे रेड वाटर, उसके बाद इसमें फिट करेंगे। तो दिखाता हूँ आपको कि न्यू रेड वाटर कैसा है। इस डस्टर कार में कोई भी लीकेज नहीं है मोबिल का, इसलिए ये डस्टर तो पहले से ही ठीक था बिकॉज जो गाड़ी वाले भैया हैं उनको लगा हुआ कि मोबिल वोबिल गिर रहा है या लीकेज कर रहा है ऐसा बोल के, तो उन्होंने गाड़ी को रिपेयर पे भेज दिया था। तो ये गाड़ी तो पहले से ही ठीक है, तो चेक वेक कर लिए हैं। तो अभी जो है इसको गाड़ी को छोड़ के आएंगे उसके घर। तो इस रेनॉल्ट कार का काम तो हो चुका है, और जो स्विफ्ट गाड़ी थी उसका काम भी हो चुका है, और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया इसलिए। और अभी जो इनोवा गाड़ी है उसका काम चल रहा है। हे गाइस, तो मैं अभी आ चुका हूँ घर और अभी शाम के 6 बज रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।